हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली हम संडे बाजार जा रहे हैं। मम्मा को मैं कितने वीक से कह रही थी मुझे संडे बाजार जाना है, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी थी। और जब भी मैं यूनिवर्सिटी से आ रही होती ना, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी होती, तो मतलब कुछ तो है ना उधर जो इतने ज़्यादा लोग आए होते। सो मुझे भी जाना है और एक्सप्लोर करना है। और ख़ासतौर पर जो ना मैं मेनली वीडियो के लिए जा रही हूँ, ताकि मैं उधर की चीज़ें कवर कर सकूँ, क्या क्या उधर मिल रहा है और लाइक कितने प्राइजेस में मिल रहा है। सो लेट्स गो एंड साथ एक्सप्लोर कर। ओके जी, सो मम्मा और रुखसार चली गई हैं ATM में, उनको कैश विड्रॉ करवाना था, फिर हमें लाइक मम्मा की टैबलेट्स लेनी और संडे बाजार जाना है। आई एम सो एक्साइटेड कि लाइक उधर क्या क्या चीज़ें होंगी, और अच्छा है कुछ हमें मिल जाए लाइक काम का। अभी तो सिर्फ एक्सप्लोर करने के बेसिस पे जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि लाइक मैं और रुखसार जो है ना फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हम लोग एक दफ़ा भी नहीं गए। और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, लाइक काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही होती हैं, तो आज हम देखेंगे कि लाइक वो सब सामान हमारे सामने भी है कि नहीं है, एंड वट आर दी प्राइजेज, अफोर्डेबल है कि नहीं है। सो आज हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे उसको मिलकर। लेट्स सी, अगर कुछ काम का मिल गया तो वो भी हम अपने घर की या रूम की डेकोर के लिए ले लेंगे। चलो रुखसार मम्मा आ गए, तो हम करते हैं गाड़ी स्टार्ट। लेट्स गो। एवरी सैटरडे एंड संडे वीकेंड बजट बाजार लगता है, बट मोस्टली शॉप्स जो है संडे को खुली हुई होती हैं। दिस इज द एंट्रेंस, ठीक है। आपको आई डोंट नो आवाज़ आ रही नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना गाड़ियों का भी शोर है। मम्मा रुखसार कहाँ घूम रहे हो? यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों का भी शोर है और लाइक लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो लाइक स्टॉल भी काफ़ी ज़्यादा है। ओह माय गॉड, पेंटिंग्स। अच्छा, एक एक करके हम हर स्टॉल पे विजिट करेंगे, ठीक है? चाल तो देखती पागल हो गई एकदम, किस इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स टंग रही हैं। और लाइक हर किस्म की बुक्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं। अंकल, इन बुक्स की प्राइस क्या है? अच्छा, 350 यार। कितनी ऑन पेंटिंग है वाली, पूछो अंकल से। लाइक किसी लोगों ने 4400, नहीं दिस इज एक्सपेंसिव भाई। फॉर अगर खाली पेंटिंग हो तो सस्ती करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव दे रहे हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे संडे बाजार की पसंद आई थी, ये कैप्स बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत अच्छी वैरायटी में थी, 450 की ईच थी। ओह माय गॉड, मम्मा इट्स लुकिंग कूल। मुझे सबसे अच्छी ये वाली लगी है। टॉक टू द सन, फैन भी दिखाओ सर। इसकी 450 रुपये, सारी मतलब कोई भी ले लो 450। ये कुछ घर की शो पीसेस एंड क्रॉकरी वगैरह, ये मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। अंकल, इसकी क्या प्राइस है वाइट वाले की? गोल्डन वाला जी, सही क्या हो जाएंगे? डिफरेंट कपड़ों की लेसेस भी थी और यहाँ पे कुछ डेकोर का सामान भी था, लैम्प्स वगैरह। सबसे अच्छी मुझे चीज़ पसंद आई ना, वो ज्वेलरी है, कि ऑनलाइन जो इतनी महंगी मिल रही होती है और ब्लैक भी नहीं होती है, वो यहाँ पे इतनी रिजनेबल प्राइस में थी। 450 से स्टार्ट होकर 1500 तक था ये वाला लॉकेट। फिर इसके साथ वाले स्टॉल पे इतने खूबसूरत प्रिंटेड ट्राउजर्स थे थ्रेड्स के, जो हमें शॉप्स पे इतने महंगे मिलते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 500 to 600 में इतने अच्छे स्टोल्स एंड ट्राउजर्स दे दे, जो आप किसी भी कुर्ते के साथ पेयर अप कर सकते हैं। और यहीं पे मुझे ट्रेंडी शॉल्स भी देखने को मिली, आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है। सो लड़कों की वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, लाइक ब्रांडेड होती हैं ये सारे प्रोडक्ट्स, स्पीकर्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, माइक्स होते हैं, डिफरेंट लाइट्स होती हैं, परफ्यूम्स होते हैं, लाइक ये सारी एक्चुअल में ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, जो आपको बहुत ही कम और रिजनेबल प्राइजेस में मिल रही होती हैं। मसाजर था, इसकी भी बहुत कम प्राइस थी। ये कितने का दे रहे हो? अभी इतनी अच्छी दूरबीन जो है ना 4500 की दे रहे थे सर। ओके, सो डेकोरेशन की पीसेस मुझे इतने ज़्यादा कोई रिजनेबल नहीं लगे, सेम प्राइसेस थी एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्राइसेस। 4000 का बड़ा वाला था, 3500 का छोटा था। अच्छे चश्मे लगे हुए, वो वाइट जैसा है, इसको ब्लैक फ्रेम करना चाहिए। अच्छा, ग्लासेस का मैं आपको बता दूं कि हर स्टॉल पे ना डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस, बहुत ट्रेंडी बहुत क्लासी जो है ना आपको ग्लासेस मिलेंगे, बट हर स्टॉल पे डिफरेंट, कोई 600 का दे रहा है, कोई 300 रुपये की दे रहा है, तो आपको इसमें ना अपनी बार्गेनिंग स्किल्स चाहिए अच्छी। मैंने जो लिए थे, मैंने 2 ग्लासेस लिए थे, 300 ईच लिया था। ओके, यहाँ पे बुक्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस थी, तो मैंने हर किसी की पूछी नहीं। अगर आपका जाना हो, आपको इंटरेस्ट हो बुक्स के अंदर, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट, लेकिन ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा रिजनेबल है। ओए होए होए होए, क्या माल है यार, मतलब गोल्डन और वाइट चीज़ में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, और यहाँ पर इतनी सारी पड़ी हैं, तो ये देखते हैं हम और प्राइजेस भी पूछते हैं। ये छोटे घोड़े की क्या प्राइस हैं? और ये जोड़ी में एक सिर्फ और ये अलग, हाँ वो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे हैं, लेकिन है भी ये चीज़ जो है ना सॉलिड।
नहीं लगे हुए ऊपर, ये ड्रेसेस लगे हुए बच्चों के, जो कस्टमाइज ड्रेसेस नहीं होते थे वो हैं, वो भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। Oh my god, this is so cool, son. We should get this. प्राइस पूछने के लिए तो मैं आप लोगों के लिए इसकी प्राइस पूछ रही हूँ। अम्मा हमें घर में रखने नहीं दे रही क्योंकि इनके लिए नमाज होती ही नहीं होती। क्या हुआ मम्मा? ये वाला अच्छा लग रहा, ये बहुत हसीन लग रहे हैं, इसकी प्राइस पूछना। हाँ कि क्या प्राइस है? 4,000 रुपये के फाइबर है। फाइबर है सिर्फ एक 4,000 का दोनों? ठीक है, सही क्या हो जाएंगे? 3,500। 3,500 ठीक है, लाइक 3,500 रुपये कर देंगे अगर ये लोग आप लेना है। मम्मा जो ना आराम से बैठ गई, आप परफ्यूम बेचने बैठी हो। मम्मा को चेयर मिली, मम्मा ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती ना, तो मम्मा यहाँ पे बैठ चुकी हैं। चलो लाला सा, मैंने 300 रुपये का ले लिया चप्पल। ये वाली हमने चप्पल 300 की ली, मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। अच्छा मतलब फुल पार्टी सीन्स है यहाँ पे, आप शॉपिंग करने के बाद खा पी भी सकते हैं आराम से मज़े से। काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स हैं उस साइड पे भी, एक कोल्ड ड्रिंक और यहाँ करने का जूस भी है, मतलब फुल पार्टी सीन्स है, ऑन है यार यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे लोग जो है ज़्यादा इंजॉय करने आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ और बैठ के खा पी रहे हैं, प्राइसेस देने के लिए। मुझे यहाँ पे कारपेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, मैट्स भी हैं, और अंकल प्राइस पूछ रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। वो 16,500 रुपये का, मुझे लेना नहीं इसलिए मैं पूछ नहीं रही फजूल में। किसके? इसके सेंटर के? इसके क्या प्राइस है? देख ले पसंद कर ले। सेंटर वाले ये साइज 6x4 है। 6x4 और प्राइस 6,500। तो फुल अपना कैमरा वगैरह लेकर आई हुई यहाँ पे शूट करने के लिए। 3 गन्ने के जूस बोले मम्मा वाले, वहाँ बैठे हैं थक गए तो अभी मैं जूस लेके बैठ जाती हूँ। ये फ्राइज मंगवाए जितने गंदे उतने लजीज। शाम का टाइम हो गया बट अभी भी जो है ना लोग आ ही रहे हैं। एडिटिंग करते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एंडिंग करना ही भूल गई। खैर मैंने आपके साथ सारी प्राइजेस शेयर कर दी हैं और क्या अफोर्डेबल है आपके लिए वो आप बेटर समझ सकते हैं। तो आप क्वालिटी वाइज मैंने आपको बता दिया, लाइक सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड अफोर्डेबल भी थी अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट्स। अब मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक तक के लिए फी अमान।